मुंबई से लेकर लखनऊ का सफर तय करना इस समय बहुत ही खतरनाक है। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट। दीवान जी हमारी जो है ये कोरोना वायरस के चलते हम लोग की ये पहली फ्लाइट है जो मुंबई से हम लोग लखनऊ जाने वाले हैं। इसके चलते हम लोगों ने जितनी बाहर देश की फ्लाइट है जो सब छोड़ दी है। अब हम लोग बाहर गाँव तो नहीं जा रहे लेकिन जो अंदरूनी फ्लाइट है वहाँ पर जा रहे। तो यहाँ का क्या माहौल है वो दिखाना चाहता हूँ। जैसे हमारे जो है अमित जी ने जो है मास्क लगा रखा है, मैंने नहीं लगाया है। हाँ तो हम लोगों को बहुत डर है कोरोना। हाँ कोरोना से सब डरे हुए हैं और हम लोग भी सोच रहे हैं कि यार ले या ना ले फ्लाइट। वैसे एयरपोर्ट का माहौल बहुत ही डरावना है, बहुत गर्दी कम है ना पहले से। इससे पहले हम लोग यहाँ आते तो बहुत ज़्यादा गर्दी थी लेकिन अभी आज बहुत कम है। इसका मतलब है कि लोग फ्लाइट जो है वो सफ़र कम कर रहे हैं। रेडी हो गए हैं हम लोग, हमारा जो फ्लाइट है वो आ चुका है। तो अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं 24 गेट। तो यहाँ तो स्थिति ठीक ही है, तब बाकी जगहों से यहाँ तो इस तरह से कोई वो है नहीं। फिलहाल यहाँ के एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग लखनऊ के एयरपोर्ट पे देखेंगे कि वहाँ क्या स्थिति है। ये कोरोना को लेके इतना टेंशन है कि हर जगह पे टीवी पर, न्यूज़ पे, टेलीफोन्स के जो रिंग्स होते हैं उस पर भी सब जगह वही बताया जा रहा है। तो थोड़ा डर तो है क्योंकि यहाँ तक कि भगवान के मंदिर पे भी जाएं तो वहाँ भी सैनिटाइज़र यूज़ करें उसके बाद दर्शन करने जाएँ। फिलहाल हम लोग लखनऊ के लिए निकल रहे हैं तो फिर देखते हैं वहाँ क्या स्थिति है। चलो भाई पहुंच गए हम लोग लखनऊ एयरपोर्ट। मुंबई से लखनऊ तक का सफ़र जो था बहुत ही डेंजर था, इतना टाइम लगा दिया, इतना लेट किया। यानी अवेयरनेस है लोगों को यहाँ पे, इतना ज़्यादा खतरा तो नहीं है लेकिन फिर भी लोग जो है जानकारी है जिनको वो मास्क लगा के हैं। तो ये I'm gonna go get some more.
आपने देखा कि मुंबई से लेकर लखनऊ का सफर जो है मैंने तय कर लिया है। जी हाँ, ये जो पीछे आप स्टेशन देख रहे हैं ये है लखनऊ स्टेशन और यहाँ पर मैं आया हूँ किसी काम से। और मैंने आपको जो बताया है कि पूरा एयरपोर्ट आपने देखा, एयरपोर्ट पे क्या हालात थे। हाँ, मैं मुंबई से जब यहाँ के लिए फ़्लाइट लिया था तो ये मास्क उस समय मैंने नहीं पहना था। कुछ जो वहाँ के जो फ़्लाइट में कुछ लोगों ने पहन रखा था, लेकिन उस समय तक इतना ज़्यादा खतरा फैलेगा ये मुझे नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो न्यूज़ और समाचार में जो मैं लगातार मैंने देखा है, उसके वजह से मुझे भी डर लगा। और यहाँ पे जो हम काम करने के लिए आए हैं, काम क्या, हम तो शूटिंग करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे भी गाइडलाइन दिए गए हैं कि आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप इसे जो है बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, अगर आप अपने कहीं पे हैं तो बहुत ही सावधानी से रहिए और जो भी जो गाइडलाइन जारी की गई है सरकार ने, जो भी निर्देश दिए हैं उसका पालन करिए, तभी आप इस वायरस से लड़ सकते हैं और बच भी सकते हैं। तो प्लीज़ जो गलती हम लोगों ने अब तक की है वो बिल्कुल ना करें। आप जो है मास्क लगाकर जो है बाज़ार या जहां भी आपको जाना है वहां पे जाइए। और मैं भी यहां पे लखनऊ में आया हूं, किसी काम से आया हूं, तो मैं यहां पे जो है मास्क लगा के ही मार्केट पे जा रहा हूं या जहां भी मुझे जो काम करना है वहां हम लोग कर रहे हैं। और सैनिटाइज़र से हम लोग हर बार कुछ खाने के पहले जो है वो हाथ जो है वो साफ़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसे आप जहाँ कहीं भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही कहूँगा। ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था मेरा कि एक तो एयरपोर्ट पे आपने देखा कि वहाँ पे जो है लोग जो है एयरलाइंस जो है वो कम आ रहे हैं, कम जा भी रहे हैं, और अभी जो है ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए अगर आप भी अगर कहीं जा आ रहे हैं या आप जहाँ भी हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या जहाँ भी हैं, तो वहाँ पे आप सफाई का ज़्यादा ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, बस मेरा जो अनुभव था मुंबई से लेकर लखनऊ का जो सफ़र था यहाँ तक का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि ताकि जो अवेयरनेस है वो फैले और ये बीमारी से हम लोग लड़े और इससे हम लोग जो है निजात पाएँ। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो यार लाइक दे के जाइएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।